केंद्र सरकार द्वारा अटल टिंकरिंग लैब की योजना शुरू की गई है, जिसके तहत भविष्य में इंजीनियरिंग क्षेत्र में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए यह योजना लाभदायक है, ताकि देश का भविष्य उज्जवल हो सके। इसी के तहत अकोला के शाह बाबू स्कूल के संस्थापक इसाक राही ने इस योजना को अपने स्कूल में शुरू किया। आज इसका उद्घाटन समारोह रखा गया था, जिसमें अमरावती विभाग के नवनिर्वाचित शिक्षक आमदार किरण सरनाईक और बालापुर के आमदार नितिन देशमुख मौजूद रहे, जिसमें अकोला के कई मान्यवर लोगों ने भाग लिया। किरण सरनाईक ने इस मौके पर कहा कि इसाक राही के द्वारा उठाया गया यह कदम अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए एक संजीवनी का कार्य करेगी और इससे क्षेत्र में शिक्षा को लेकर रुचि पैदा होगी, जो कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। वहीं बालापुर के आमदार नितिन देशमुख ने इस अटल टिंकरिंग लैब को अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कड़ी बताते हुए इसका लाभ सभी को लेने का आग्रह किया। इस अवसर पर शाह बाबू स्कूल के सभी शिक्षक और छात्र व छात्राएं सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के तहत उपस्थित थे। इस अवसर पर हमारे संवाददाता शाहिद इकबाल ने इसाक राही से अटल टिंकरिंग लैब की विस्तृत में जानकारी ली। आज हम इसाक राही साहब के साथ हैं, जो कि अकोला जिले में एक मशहूर शख्सियत के नाम से जाने जाते हैं, जिनके संस्था के तहत 20 स्कूलें चल रही है और आज जो एक उपलब्धि यहाँ पर इन्होंने करी है अटल टिंकरिंग लैब, इसका आज इनॉग्रेशन यहाँ पर हुआ है इनोवेशन लैब के जरिए। तो आइए इनसे जानते हैं इसमें इनके क्या भूमिका रही है और क्या टिंकरिंग लैब की अटल टिंकरिंग लैब की वजह से आगे बच्चों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो इसाक राही साहब, आपका INN24 में स्वागत है। ये बताइए कि ये जो टिंकरिंग अटल टिंकरिंग लैब का आपको ये प्रस्ताव आया है, इसको लेकर आपको किस तरह का आपके मन में विचार आया कि इसको करना चाहिए? नीति आयोग हिंदुस्तान में इस तरह की इनोवेशन वर्किंग के लिए मशहूर है। नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन एम ये प्रोजेक्ट चलाया जाता है और इसी प्रोजेक्ट के अंदर ये लेबोरेटरी, जिसमें रोबोटिक, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक, इस तरह के ऐसे इनोवेटिव वर्क हमारे स्टूडेंट्स को आए, वो ये सब सीख लें, इसके लिए ये लेबोरेटरी दी जाती है। इस लेबोरेटरी को मंजूर करने के लिए एक प्रोसेस है, दर्पण वेबसाइट पर, दर्पण पोर्टल पर ये रजिस्टर की जाती है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये हमारी सोसाइटी दर्पण पे रजिस्टर्ड है। उसके बाद अटल लैब का सैंक्शन ऑनलाइन होता है और इसमें हर लेबोरेटरी के लिए 20 लाख रुपए का ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो ये सब चीज़ें हमारे स्टाफ के जो लोग बिल्कुल ऑनलाइन वर्किंग करते हैं, यहाँ के हमजा प्लॉट के, पाथूर के, तो उन्होंने ये तीन लेबोरेटरी, इस महाराष्ट्र में ये पहली सोसाइटी है और अल्पसंख्यक सोसाइटी में ये पहली सोसाइटी है जिसे तीन लेबोरेटरी मिली है। इसलिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का और नीति आयोग का तह दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। सर, इसमें जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, उनका कोई क्लास या कोई वर्ग ये होता है कि सिर्फ साइंस वाले या आर्ट्स वाले या टेंथ वाले? सिक्स स्टैंडर्ड 6 से 12 तक के स्टूडेंट का हम एक टेस्ट लेते हैं। वो स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉनिक में और इनोवेशन में अपनी आइडेंटिटी रखते हैं या उनके इंटरेस्ट रहता है, उनको हम सिलेक्ट करते हैं और उन स्टूडेंट्स को हम ये लेबोरेटरी में अपने अपने मॉडल्स बनाने के, प्रोजेक्ट बनाने की पूरी आज़ादी देते हैं और वो लड़के फिर अपने मॉडल को एक्सप्लेन करते हैं और उनके अंदर जो स्पीकिंग पावर है वो डेवलप होता है और उनका क्रिएटिविटी या इनोवेशन पावर वो डेवलप होता है। तो इससे हमारे स्टूडेंट्स को, वो चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, हमजा प्लॉट का जो एरिया है, सलम एरिया, यहाँ के स्टूडेंट अगर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। सर, ये जिस तरह से अचीवमेंट ये लोग करते हैं बच्चे, तो इसका आगे इनको बेनिफिट क्या है?
ये इनका बेनिफिट यह है कि ये जब भी किसी कंपनी में जाएंगे या किसी कोई इंडस्ट्री में जाएंगे, ये इनका माइंड इनोवेटिव रहेगा, यानी ये कोई कुछ ना कुछ नया करने वाले, कुछ ना कुछ जो अवेलेबल है सोर्सेस उससे कोई नई बात पैदा करे, तो ये बात उनको उनके सिलेक्शन को मजबूत करेगी। और कोई भी कंपनी ऐसे स्टूडेंट्स को जो इनोवेटिव हो वो सिलेक्ट करेगी। सर धन्यवाद। अटल टिंकरिंग लैब के उद्घाटन को लेकर आपका क्या कहना है? ये बहुत बड़ी अच्छी संकल्पना है, अटल टिंकरिंग लैब जो रहता है। इसमें मैंने अभी राही साहब, हम कबीर साहब हो गए सब हमारे संस्था चालक, और विधायक श्री देशमुख जी, नितिन जी देशमुख, हमने इसका इंस्पेक्शन किया। हमको ये नज़र आया कि जो हमारे स्कूलों में बच्चे दाखिला लेते हैं, वो स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों में कहीं ना कहीं सुप्त गुण रहते हैं, किसमें क्रीड़ा क्षेत्र में चमकने की वृत्ति रहती है, किसमें कला में रहती है, किसमें टेक्निकल इसमें युग में काम करने की बुद्धि क्षमता चलती है। निश्चित रूप से ये जो सारे अटल थिंकरिंग लैब जो है, कहीं ना कहीं इसकी बुद्धि की चालना दे के ये लैब हमारे भविष्य में बच्चों को कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग क्षेत्र में, टेक्निकल डिपार्टमेंट में इसका लाभ हुए सवा रहेगा नहीं, और भविष्य में एक आधा इनोवेशन करने वाला अच्छा साइंटिस्ट यहाँ से पैदा हो सकता है। ये इसका महत्व का उद्देश्य मुझे